और अब खबर आईपीएल से जुड़ी हुई। कोलकाता को 8 विकेट से पीटकर बैंगलोर प्लेऑफ के एकदम नजदीक पहुंच गई है। 4 मैच बाकी रहते विराट की टीम अंक तालिका में अब नंबर 2 पर पहुंच चुकी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता दबाव में दरक गई और सिर्फ 84 रन ही बना सकी, जबकि बैंगलोर ने 13.3 ओवरों में ही जीत अपने नाम कर लिया। ना अगर ना मगर ना किंतु ना परंतु बैंगलोर जीता, बादशाहों की तरह जीता। कोलकाता पर बैंगलोर की इस जीत में पंजाब, राजस्थान, हैदराबाद जैसी टीमों की भी जीत है, क्योंकि प्लेऑफ में पहुंचने की उनकी उम्मीदों को भी ऑक्सीजन मिली है। Next delightful, next the fuller one. 85, सिर्फ 85 रन का लक्ष्य मिला था विराट की टीम को और उसने बेरहमी से कोलकाता को कुचला। एरोन फिंच और पेडिकल के बीच ओपनिंग साझेदारी 46 रनों की रही। लॉकी फर्ग्यूसन ने फिंच को 26 के निजी स्कोर पर आउट किया। On this occasion though, Fields for it, the ball left him, took a nice thick outside it. देवदत्त पेडिकल इस गफलत में रन आउट हुए, यानी 2 लम्हे कोलकाता को राहत के मिले। There's a second wicket. विराट और गुरकीरत ने बड़े आराम से टीम को जीत दिला दी, वो भी 6.5 ओवर बाकी रहते। इस विराट जीत से विराट की टीम का नेट रन रेट भी विराट हो गया है। सिराज की आंधी में उड़ा कोलकाता, कोलकाता को उसकी लचर बल्लेबाजी ले डूबी। Mohammad Siraj gets the breakthrough. Oh, knocked over. What a start for Mohammad Siraj and RCB. मैच के दूसरे ही ओवर में सिराज सनसनी मचाते हुए हैट्रिक की दहलीज तक आ पहुंचे। हैट्रिक नहीं हुई, लेकिन कोलकाता को इसके बाद बचने की कोई ट्रिक भी नसीब नहीं हुई। 3 रनों पर 2 विकेट स्वाहा हो चुके थे। टैलेंटेड शुभमन गिल भी संयम नहीं रख सके और इसी स्कोर पर सिर झुकाकर डगआउट लौट आए। पहले 3 ओवरों में ही कोलकाता अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुका था, मगर 4th ओवर में भी बैंगलोर का वार खाली नहीं गया। इस बार शिकार थे टॉम बैंटन। कैप्टन मॉर्गन की हालत ऐसी थी मानो सांप सूंघ गया हो, फिर भी एक वही थे जो अड़े। दिनेश कार्तिक के साथ 18 रनों की साझेदारी से उन्होंने स्थिति संभालने का संकेत दिया, लेकिन चहल की गेंद पर कार्तिक के LBW होने के बाद तय हो गया कि ये टीम 100 का सफर तो तय नहीं कर पाएगी। मॉर्गन को मालूम था कि बल्ला भांजने के सिवाय अब विकल्प नहीं है। भांजे और गए 34 गेंदों पर 30 रन बनाकर विकेट वॉशिंगटन सुंदर के नाम। एंड ऑन दिस ओकेजन फाइंड्स द मैन ऑन द काउ कॉर्नर बाउंड्री। लुढ़कते लुढ़कते कोलकाता 20 ओवर खेल गई, लेकिन इस खेल में उसके लिए सब खराब ही था। उसका खेल खडलास हो चुका था। So one run less, they completed one. One is all they'll get. 84 for 8 then in their 20 overs. Kolkata Knight Riders. इसी के साथ वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।